तो आज के लिए हम बात करने वाले हैं अक्रो एप्लीकेशन में आप आपका खुद का वीज़ा कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करने है मैं आगे बता दूंगा। आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने रहें, जैसे कि दोस्तों अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर की कमी है, तो आपको उस कमी को कम्प्लीट करना है। जैसे आप अगर सब्सक्राइब कर दिए होगे तो आपको अपना अक्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपना अक्रो एप्लीकेशन को ओपन कर ले तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाते हैं। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखो गेट फाइसिकल वीज़ा कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल रिचार्ज के साइड में, उस वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है। जैसे ही जाते हो यहाँ पे देखो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है। यहाँ पे अपना ATM कार्ड रहता है, मतलब वीज़ा कार्ड, जैसे कि यहाँ पे बेनिफिट दिए गए, ATM विड्रॉल यहाँ से आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा अक्रोस यहाँ से कमा सकते हो जिससे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको पर्सनलाइजेशन वीज़ा कार्ड मिल जाता है जो आपको वीज़ा कार्ड ऑर्डर कर रहे हो, और यहाँ पे आपको वीज़ा कार्ड की प्राइस है 199 रुपीज़ और प्लस आपको GST भी कुछ पे करना पड़ेगा, और अपना जो डिलीवरी चार्जेस रहते हैं आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो आपको प्रोसेस पर टैप कर देना है, जिसे टैप करते तो आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट नेम फॉर योर कार्ड, यहाँ पे आपका जो अक्रो कार्ड रहते हैं उस पर क्या नाम ऐड करना है वो नाम यहाँ पे ऐड कर देना, प्रोसेस कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको डिलीवरी एड्रेस ऐड करना रहता है, जैसे कि हाउस नंबर, फ्लोर, बिल्डिंग नंबर, स्टेट, एरिया, लोकेलिटी, पिन कोड, सिटी, स्टेट, लैंडमार्क, और अपना जो फ़ोन नंबर है अच्छे से चेक करके ऐड कर देना है और कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करते हो यहाँ पे अपनी जो पूरी डिटेल्स आ जाती है ऑर्डर डिटेल्स, जैसे कि नेम ऑन द अक्रो वीज़ा कार्ड, यहाँ पे अपना अक्रो ऊपर जो नाम अपने ऐड का है वही यहाँ पे है क्या वो चेक कर लेना। उसके बाद डिलीवरी एड्रेस चेक कर लेना अच्छे से, जैसे कि वो वीज़ा कार्ड अपने पते पर आता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों आता है तब भी आपको कॉल करता है, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइस डिटेल दी गई है वो यहाँ से आप देख सकते हो। अक्रो वीज़ा कार्ड का प्राइस है 199 रुपीज़ आपको बताया था, और GST जो भी बताया था वो 35 रुपीज़ का GST आपको लग रहा है यहाँ पर, और डिलीवरी जो चार्जेस है आपको फ्री में रहते हैं। यहाँ पे 30 रुपये का रहता है चार्जेस, लेकिन वो आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो इसकी टोटल अमाउंट जो हुई वो 234 रुपीज़ हुई। तो अगर आपको ये पर्सनलाइजेशन वीज़ा कार्ड आपको ऑर्डर करना है, यहाँ से आप ATM विड्रॉल कर सकते हो, आपको इसके कुछ बेनिफिट्स चाहिए आपको ऑर्डर करना है, तो आपको 234 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए यहाँ पे देखो पे एंड ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पे कर देते हो 234 रुपीज़, तो आपका जो पर्सनलाइजेशन वीज़ा कार्ड है वो ऑर्डर हो जाता है, और आपको 6 to 7 days के अंदर आपको घर पे पते पर आ जाता है और आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अक्रो एप्लीकेशन में अपना खुद का वीज़ा कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। और दोस्तों अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर जल्दी करवा दो यार।